गिरफ्तार होके जेल में जाके बापू बेटा उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे जब तक जांच अधूरी रहेगी। ये आंदोलन हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा और जब तक समाधान नहीं होगा यह आंदोलन जारी रहेगा। पांच घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जो जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, इन्होंने भी घोषणाएं की और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है। पूरा प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। उस दिन भी जब यहां से हम 5 बजे के आसपास चले, गाजीपुर बॉर्डर से रोकना शुरू हुआ और वहां तक पुलिस पूरे रास्ते लगी, करीब 12 घंटे वहां पे जाने में लगे हमको। 100 से ज्यादा गाड़ियां थी, बैरिगेटिंग्स थे वहां पे, गए बहुत लोग वहां पे गए, करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण देख के बुला हुआ आदमी है और जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई उससे क्वेश्चन कर लेगा। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आगे के निर्णय, पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है, वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा जाएगा। धन्यवाद। अपना सवाल पूछते वक्त बताइए सवाल किससे, आप हम सबसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे बीच राकेश जादौन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वे भी शामिल थे उस टाइम पे, वो भी शामिल थे। तो आप बताएं किससे सवाल है और